नमस्कार, प्रणाम, अभिनंदन, स्वागत। दोस्तों, मैं हाजिर हूँ आपकी अपनी उर्मिल सखी लेकर कार्यक्रम दस्तक दिल की बात कलम से, और अपने सभी दर्शकों का दिल से स्वागत करती हूँ। आप सभी जानते हैं कि दस्तक एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हमारे हर बार एक नए मेहमान होते हैं, और मेहमान भी वो होते हैं जो साहित्य जगत में अपनी खास पहचान रखते हैं, अपना नाम रखते हैं। इसलिए इसी कड़ी में आज जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो हरियाणा साहित्य अकादमी के पूर्व निदेशक हैं, 40 से भी अधिक पुस्तकें लिख चुके हैं। इसके अलावा हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी, हरियाणवी सभी भाषाओं में उनकी पुस्तकें हैं, और कई साउथ इंडियन भाषाएं हैं, जैसे कि अपना इधर से नागपुर साइड से महाराष्ट्र, मराठी, गुजराती, बंगाली, लगभग 7-8 भाषाओं में उनकी पुस्तकों का अनुवाद भी हो चुका है, और लगभग साहित्य की सभी विधाओं में लिखते हैं, चाहे गीत हो, गज़ल हो, कहानी हो, दोहे हो, उपन्यास हो, ऐसी कोई विधा नहीं है जिन पर उनकी कलम ना चली हो। जी हाँ जी, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर श्याम सखा श्याम जी की, जो कि आज हमारे मेहमान हैं। डॉक्टर श्याम सखा जी, आपका स्टूडियो में जस हिंदी की ओर से आपका स्वागत करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज आप हमारे साथ हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। जी जी बिल्कुल। और ये जो अपना कार्यक्रम है दस्तक दिल की बात कलम से, एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हमारे मेहमान लेखक जो हैं वो दिल की बात भी करते हैं, किताब की बात भी करते हैं, तो आपकी गज़लें भी सुनेंगे, आपकी रचनाओं को भी हमारे दर्शक बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि अब उनको आदत लत लग चुकी है हमारे नए मेहमान की रचनाएं सुनने की। और रचनाओं के साथ साथ हम परिचय पर भी ध्यान देते हैं कि भाई हमारे जो लेखक हैं वो कहाँ से हैं, कहाँ पढ़ाई लिखाई करी है, क्या उनका जीवन है, उनके सफ़र के बारे में भी जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं आपके जीवन के बारे में। तो आपने, आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, कहाँ पर नौकरी हुई, कहाँ पर जन्म हुआ, इस पर जरा प्रकाश डालिए ताकि हमारे दर्शक जान सकें कि हमारे जो मेहमान हैं उनकी कहाँ पे पैदाइश है। पहली तो जो आपका प्रोग्राम है जी सर, दिल से कलम तक, जी दिल की बात कलम, दिल से की बात कलम तक, तो उस पर एक शेर सुना देता हूँ। जी शुरुआत, दिल से होकर दिल तलक एक रास्ता जाता तो है, दिल से होकर दिल तलक हाँ एक रास्ता जाता तो है, हाँ कोई समझे या ना समझे वक्त समझाता तो है। क्या बात है। हमें आपसे उम्मीद थी कि शुरुआत कुछ धमाकेदार ही होगी। आपका प्रोग्राम जब दिल से कलम तक की बात है तो मैंने कहा भाई दिल से ही बात करें। सही बात है, क्योंकि हाँ। सबसे तो बड़ी बात यही है हाँ। कि कोई व्यक्ति, लेखक ही नहीं, कोई हाँ। भी कोई काम करता है तो दिल से ही करता है। सही बात है। यानी वो जो कहते हैं ना कि बच्चा मानता नहीं है, मानता है, वो अपने दिल की मानता है, हमारी नहीं मानता, वो अलग बात है। तो दिल बहुत बड़ी चीज है जी, और दिल को काबू करने के लिए तो योग आया जी, बिल्कुल पतंजलि योग हाँ। और मैंने, लेकिन हाँ। हम ये चाहते हैं कि जब हमारे मेहमान यहाँ पर आए इंटरव्यू के लिए दस्तक दें तो वो कोई किसी तरह दिल को काबू ना करे, दिल को खुला छोड़ दे, दिल की बात, दिल काबू रह नहीं सकता। जी जी सही बात है। वो पतंजलि ने भी यही कहा जी, जी, कि मन की वृत्तियों को जो है निरोध शब्द का जो उसने एग्जांपल दिया उसको कहा कि नॉट टू एंटरटेन, कि आएंगी बातें जी लेकिन उन पे ज्यादा ध्यान मत दो। जी दिस इज व्हाट ही हैज सेड। यस, तो अपने बताइए कि आप कहाँ पे आपका जन्म हुआ, कहाँ शिक्षा दीक्षा। रोहतक के पास एक गाँव है सांगी जी, वहाँ पैदा हुआ, और उसका कारण ये था कि मेरा परिवार वैसे बहुत 3-4 पीढ़ी से रोहतक रह रहा था जी, लेकिन जब पार्टीशन हुआ तो झगड़े होने की संभावना थी जी, तो हम वहाँ चले गए। अच्छा, तो वहाँ मेरा जन्म हुआ, तीसरी क्लास तक वहीं हमारी पढ़ाई हुई जी, और उसके बाद फिर रोहतक आ गए, और वहाँ एक बहुत खूबसूरत बात हुई, और शायद उसकी वजह से ही मेरी जो पर्सनैलिटी है कि हमारे जो टीचर थे उन्होंने 3 साल वो हमारे स्कूल में रहे जी, और जितने बच्चे स्कूल में गए सबकी जन्म तिथि 1 अप्रैल लिख दी। ये क्या बात हुई। बस उन्होंने पूछा ही। अच्छा। उनसे बाद में पूछा तो उन्होंने हाँ। कहा कि मैंने तो इसलिए कहा कि भाई रिटायर हो गए हाँ। तो तुम्हें जो है ठीक से पेंशन ठीक टाइम पे मिलेगी। अच्छा, तो लगभग 100 बच्चे हाँ। हम पाठशाला में गए थे। अच्छा, और एक और खास बात थी कि वो कद देख के उन्होंने सन लिख दिया, कद देख के हाँ, हाँ जैसे मेरा छोटा कद था हाँ,
तो मेरा जन्म तो 1946 में हुआ। अच्छा। मेरा 1948 लिख दिया। मेरा एक दोस्त है ब्रिगेडियर रिटायर हुआ। हाँ। वो लंबा था। हाँ। उसको 46 लिख दिया, मेरा 48 लिख दिया। अच्छा, कब तो उसकी 2 साल की जॉब गई बेचारे की। क्या बात। ये बहुत ही अनोखी बात आपने अच्छा, बताई। उन्हें हाँ। तब तक ये नहीं पता था कि ये आगे जाके 1 अप्रैल फूल भी बना जाएगा। अच्छा। जी। उसके बाद हम रोहतक आ गए। हाँ। रोहतक पढ़े स्कूल में। अच्छा। और फिर मेडिकल कॉलेज में मेरा एडमिशन तो PGI चंडीगढ़ में हुआ था। अच्छा। तब 50 सीट जो थी यहाँ सेंक्शन हुई थी, लेकिन मेडिकल काउंसिल जो थी इनकी, उन्होंने मना कर दिया। तो फिर हमें 17-17 बांट दिया गया। अच्छा। तो 17 गए पटियाला, 17 अमृतसर, और हम फिर रोहतक चले गए, क्योंकि अच्छा, रोहतक रोहतक नंबर पड़ा। हाँ, MBBS के लिए। नहीं, नंबर तो PGI चंडीगढ़ में था। अच्छा। लेकिन उस साल इन्होंने कहा हम यहाँ जो ग्रेजुएट नहीं लगाएंगे, बाद में जो 32 सेक्टर में बना ना, वहाँ हाँ, ग्रेजुएशन शुरू हुई। अच्छा। तो ये 1965 की बात है जी। तो हम वहाँ चले गए। उसके बाद जो चेस्ट का जो मैंने की स्पेशलाइजेशन, वो दिल्ली से की चेस्ट की। बीच में मैं बीकानेर भी पढ़ा, मेरी सिस्टर थी वो ले गई थी जी। तो ऐसे ही चलते रहे। तो आपने फिर बाद में अपना अस्पताल या कुछ इस तरह का? मैं बेसिकली बाहर चला गया था, तो मेरे पिताजी ने बुलाया कि भाई ये जमीनें बेच के जा। मैं अच्छा? सबसे छोटा हूँ। हाँ, हाँ। यानी मेरे फादर के 10 बच्चे थे जिनमें अच्छा? सबसे छोटा मैं। आप 10 भाई थे? भाई बहन मिला के, सब मिला के बहन भाई 10 थे। आपका नंबर कौन सा? 10वां नंबर। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप 10 नंबर ही है? हाँ, बिल्कुल। तो गलत नहीं होगा? नहीं, मैंने तो लिखा है अपनी। अच्छा? जब बायोग्राफी लिख रहा हूँ, मैं 10 नंबर ही हूँ। 10 नंबर ही। तो वो फिर मैं वापस आ गया। हाँ। तो गोहाना मैंने हाँ। प्रैक्टिस आरंभ की जी। और सिर्फ एक मेरा स्टेथो था मेरे पास, बाकी जो था वो BP ऑपरेटर्स भी मैं मेडिकल कॉलेज से लाया था उधार, कि भाई वापस दे दूंगा जब वापस जाऊंगा। अच्छा, उधार लाए थे? हाँ, 100 रुपए का आता। मैंने कहा क्यों खर्चे? अच्छा। लेकिन वो वहाँ तो वापस तो जा नहीं सका, क्योंकि एक तो दिल लग गया, और शुरुआत तो ऐसे हुई कि 5 रुपए मैंने फीस रखी जी। और जो मरीज आते तो जाते केमिस्ट के पास, आके मेरे को कहते कि वो दवाई वाला पीसे मांगे। अबे दवाई दी है, पीसे मांगेगा? कहता फिर तने इस कागजी के पैसे लिए? लिए तो इसी के। कहते यार कोई बात नहीं बनी। मैं घंटी बजाता, मैं सोचता मुझे रहना तो है नहीं, वापस दे देता। 2-3 साल बाद, यानी सारे नहीं थे, अबाउट 50% ऐसे होते थे, 2-3 साल बाद उन्हें लगा कि भाई ठीक है। तब तक क्या हुआ कि हमारी जो पे थी इंग्लैंड में 5,000 रुपये, और यहाँ मिलते थे 670 रुपये, और मैं सिर्फ उस टैथो के सहारे लगभग 10,000 रुपये महीना कमा रहा था। अच्छा जी। मरीज इतने ज़्यादा आने लग गए, तो मैंने कहा अब क्या करेगा जाके। तो 11 महीने बाद मैंने नर्सिंग होम खोल लिया, पहले 8 बेड का जी, फिर 30 बेड का जी, और इस तरह करते करते 43 साल, 43 ईयर्स लग गए। 2011 में फिर मैं यहाँ आ गया था साहित्य अकेदमी में जी, अकेदमी के निदेशक भी रहे। निदेशक बन जी। तो मुझे ऑफर तो और भी कई हुई थी, क्योंकि जो पिछले CM थे वो मेरे मित्र थे, हम एक ही गांव थे, इकट्ठे पढ़े थे, सांगे गांव के। हाँ, लेकिन मुझे पसंद नहीं था, क्योंकि शौक ये था। वहाँ कॉलेज में ड्रामे करते थे, जो पहली मैगजीन थी रॉ मेडिकल, उसका मैं स्टूडेंट एडिटर था जी। तो फिर मैं इसमें आ गया जी। जी। तो आपका जो नाम है डॉक्टर श्याम, तो जो सखा है, पहली बात तो मैं कहूँ कि ऐसा पहला शो है कि जिसमें आज सखी भी है और शाम भी है और सखा भी है, मतलब सखा जी लिखते हैं, उनका उपनाम सखा है और मैं आपकी अपनी सखी हूँ। तो ये अपने आप में एक अनूठा अनोखा कार्यक्रम है कि आज सखा जी भी हैं और सखी भी एक साथ। तो पहले बताइए आपने सखी क्यों रखा? आपने बताया तो था मुझे जी, लेकिन तो फिर बताइए कि सखी आपने नाम कैसे रखा? मेरा तो चलो, मेरे तो गुरु ने रखा, साहित्यिक गुरु थे तो उन्होंने रखा सखी नाम। मेरे ख के नीचे नुक्ता है, बिंदी है, यानी ज्ञान बांटने वाला, तो जब नुक्ता हट जाता है तो सखी रह जाता है, सहेली। तो आपका उपनाम आपने ऐसे है कि मुझे सुदामा चरित बहुत पसंद था जी। शिक्षक हो से गिरे जग को, तिन ताऊ को देती है शिक्षा, औरन को धन चाहिए बावरी, बाभन को धन केवल बच्चा। ये नरोत्तम दास का है जो पढ़ते थे हम जी। ये थोड़ा सा पोर्शन इसका हमारा 8वीं की क्लास में भी था जी। तो मुझे जो सुदामा और उद्धव जो भगवान कृष्ण के सखा थे दो,
उनसे बड़ा वो था, जैसे उसका है कि उधो मन न हो तो दस बीस, एक थो सो गयो श्याम संग को आ राधे ईस। तो मुझे ये पंक्तियां बड़ी अच्छी लगती थी, चाहे वो सुदामा चरित की हो तो इसकी हो। तो सखा जी, आप ये बता रहे थे कि आपका उपनाम सखा कैसे पड़ा। तो मैंने बताया ना कि मेरी कहानियाँ तीन छपी गुल बकावली के नाम से। जी, गुल बकावली। हाँ, गुल बकावली एक जंगली फूल होता है। अच्छा, फूल का नाम है। हाँ, ये मध्य प्रदेश में। और गुल बकावली जो अरेबियन नाइट्स है जी, उसमें एक प्रिंसेस का नाम भी है जी। तो मैं नहीं चाहता था, क्योंकि तब तक मैं 30 कहानियाँ लिख चुका था, कुछ गजलें लिख चुका था, लेकिन एक एडिटर आए थे प्रेम गौर की, वो मेरी कहानियाँ यहाँ ले आए। तो मैंने उसको कहा यार मेरा नाम मत देना, मैंने तब तक कहीं भेजी नहीं थी। तो तीन कहानियाँ छपी, तो मैं एक मुशायरे में था, विजय सहगल जी जब यहाँ थे, उनका फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब मैं आपके नाम से छापूंगा, क्योंकि हमारे पास इतने खत आते हैं, ना आप एड्रेस देते ना कुछ करते। तो मैंने कहा चलिए एक शाम और जोड़ लीजिए इसके पीछे। अच्छा। तो वही बैठे बैठे वो मैंने उनको कह दिया और वो कहानी छपी गंध। और उसके साथ क्या हुआ कि वो डेस्क वाला बदल गया, उसने अगले साल अगले महीने अगले सप्ताह भी छाप दी, वो दो बार छपी। उसी पर मेरी वो पिक्चर बनी है पजेसिव ऑब्सेशन जो अमेजन पर है। आपने फिल्म, हाँ, फिल्म का निर्देशन भी किया और फिल्म के निर्माता भी हैं और आपने अभिनय भी किया। अभिनय थोड़ी, तो वो क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। वो एक गंध कहानी है जी, उसके ऊपर है असल में वो कहानी। देखिए उस कहानी का यानी किस तरीके से बनी जी। जब हम प्री मेडिकल में थे तो हमारे साथ एक बहुत सुंदर लड़की थी। अच्छा। उसने हमारे प्रिंसिपल से, जो प्रोफेसर थे और प्रिंसिपल भी थे, अंग्रेजी के लेक्चर थे, जिस तरह आज मैं खलवाट लिए हूँ ऐसे लिए। अच्छा। हुए थे। अच्छा। और उनसे मैरिज कर ली। अच्छा। तो बहुत सारे लोगों का दिल टूटा, जाहिर है मेरा भी टूटा होगा। अच्छा। दिल की बात आ गई ना। हाँ। तो इस पर वो कहानी है। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ कि मेरी मिसेज की एक सहेली आई, तो वो आई कि भाई ये सिगरेट छुड़वा दीजिए मेरे पति की, मिस्टर दलाल हैं। तो मैंने उस दलाल से वैसे ही मजाक में पूछ लिया भाई कब से सिगरेट पीते हो। तो उसने कहा सर 35-40 साल हो गई। उनका मैरिज कब हुई कि 32 साल हुए। उनका पहले इसको छोड़ दे, ये नई आदत है, फिर सिगरेट छोड़ देना, फिर इससे मैरिज कर लेना। अच्छा। तो ये दोनों घटनाओं से मिलके वो कहानी बनी थी जी। तो जी। कहानी तो खैर लंबी है, अच्छी फिल्म बनी है वो। हाँ, तो और उसके ऊपर बहुत अच्छी, बिल्कुल। तो उनको लगाव हो गया एक्चुअली, वो कहती कि ये अगर विल्स पीता है तो ठीक है, जब फोर स्क्वायर पीता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा। और अगर मैं बस में बैठी हूँ और कोई तीन सीट आगे भी पी रहा हो ना, तो मैं ऐसे करती हूँ। तो वो सुंदर औरत थी और वो जिस तरीके से नाक सिकोड़ रही थी, मुझे लगा तो वो जो हमारी क्लास फेलो थी और ये मिलके दोनों, हालांकि उस कहानी के बीच में 30 साल का अंतर था, इन दोनों के मिलके वो कहानी बनी। तो वो जो करेक्टर था वो आपके जहन में था, और उस पर काम हुआ। यकीनन वो वाकई बहुत अच्छी फिल्म है। उस तरीके से वो, हाँ, मैंने भी देखी है, बहुत अच्छी फिल्म है। और बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, बहुत कुछ जानेंगे आपके बारे में, लेकिन आपकी रचना से भी परिचय करना है। तो आपसे गुजारिश करती हूँ कि गजल के लिए आग्रह करती हूँ। उससे पहले मैं बताऊं कि मैंने सातवीं क्लास से, मेरे पंजाबी के टीचर थे दयाल चंद जी मिगलानी जी, वो बड़े गा के सुनाते थे। अच्छा। तो उन्होंने एक कविता भाई मोहन सिंह की सुनाई थी, छत्तों की बेरी। छत्तों की बेरी, बेरी। हाँ। अच्छा। तो वो कविता इतनी खूबसूरत थी, अगर मैं सुनाऊं तो सारा टाइम निकल जाएगा, वो नहीं सुना रहा हूँ मैं। उसकी आखिरी लाइन सुना रहा हूँ, क्या जो जो सानू आखे ऐसी होइए लोहे लाखे, गल गलते भजिए थाने असी भूल गए ओ जाने। तो वो कविता मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने कविता लिख दी। अच्छा। उसके बाद आपने कविता लिखनी शुरू करी। तो वो मैंने गुरुजी को सुना दी, वो मुझे ले गए ऑल इंडिया रेडियो। अच्छा। अब मुझे वो सारी कविता तो याद नहीं, उसकी दो ही है कि जब जीवन की कठिनाई से घबरा जाओ तो फौरन साधु बन जाओ, ये लाइन उसकी मुझे याद है, बाकी कुछ नहीं। लेकिन फिर मेडिकल कॉलेज में जो पहली लाइनें लिखी, उसके बीच में कविताएं लिखी जी। लेकिन जो मेडिकल कॉलेज में लिखी वो वैसे ही तुकबंदी थी जी। कि ना किसी लड़की की चाहत थी। हाँ। ना पढ़ाई का जज्बा था। अच्छा, ये कैसे जिंदगी थी? किसी लड़की की चाहत थी ना पढ़ाई का जज्बा था, पांच कमीने दोस्त थे और आखिरी बेंच पर कब्जा था। क्या बात है। तो ये थी, ये तुकबंदियां शुरू की मुकम्मल कविता है। नहीं, ये तो इतनी है, तुकबंदियां शुरू हो गई। लेकिन आपने गजल की बात की तो किसे स्वागत, जो पहली गजल सुन लिखी वो सुना।
कि हम जैसों से यारी मत कर। अच्छा, खुद से तू गद्दारी मत कर। क्या बात है, तेरे अपने ही रहते हैं, इस घर पर बमबारी मत कर। जी रोक छलकती इन आंखों को, मीठी यादें खारी मत कर। और खुद आकर ले जाएगा वो, जाने की तैयारी मत कर। क्या बात है, खुद आके ले जाएगा वो, जाने की तैयारी मत कर। और शाम निभानी है अगर यारी, फिर तो दुनियादारी मत कर। क्या बात है, हम जैसों से यारी मत कर, खुद से तू। कुछ और गजल आपके पास तो याद है, आपको सारी की सारी गजलें है ना जी। एक और गीत गजल या गाली लिख। जी गीत गजल या गाली लिख, बात मगर मतवाली लिख। अब आपका प्रोग्राम दिल से है तो दिल से ही करो, कोई भी काम करो जी। गीत गजल या गाली लिख, बात मगर मतवाली लिख। गहमा गहमी बहुत हुई, कुछ तो खाम ख्याली लिख। क्या बात है, और रोज हथेली पर उसके, रोज हथेली पर उसके गजलें मेहंदी वाली लिख। क्या बात है, ये तो मुकर्रर फिर से बोल दीजिए। रोज हथेली पर गीत गजल या गाली लिख, बात मगर मतवाली लिख। रोज हथेली पर उसके गजलें मेहंदी वाली लिख। क्या बात है, और किस्मत मेरी भी लिख दे मौला, किस्मत मेरी भी लिख दे मौला, असली लिख या जाली लिख। क्या बात है, गीत गजल या गाली लिख। जी बहुत खूब, बहुत खूब। तो अब ये बताइए कि आपने जब ये तो आपने बता ही दिया कि पहले आपने कहानियां शुरू करी और आपकी कविताएं गजलें बाद में आपने लिखना शुरू किया। नहीं, पहले कविता लिखी, उसके बाद कहानी का भी एक सिलसिला था। एक तेलुगु के राइटर हैं, बुच्ची बाबू के नाम से जाने जाते जी, उनका एक लेख मैंने हिंदी में पढ़ा। और ये बात होगी 1974 की, उससे पहले मैंने सिर्फ 3 कहानियां लिखी थी। फिर बिजी हो गया प्रैक्टिस में, नहीं लिख पाया, कहानी के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो उसके लेख में लिखा था कि हर व्यक्ति की जिंदगी में 5-7 कहानियों का मसाला जरूर होता है। जिंदगी में हर एक की जिंदगी। अच्छा, जरूरत ये है जो आपका वो है ना कलम जी, कि कलम उठाए और लिखना शुरू कर दे, बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैंने क्या किया कि अब मैं कोई कविता गजल नहीं लिखूंगा जब तक 20 कहानियां नहीं लिखूं। अच्छा, तो आप ये देखिए कि मैंने 3 महीने में 34 कहानियां लिख दी। क्या बात है, क्योंकि मैंने कविताओं का गला घोटा कि अब कहानियां लिखनी। और उसके साथ एक बड़ा मज़ेदार किस्सा हुआ, मेरी पेशेंट तो यहीं की थी लेकिन वो आजकल ऑस्ट्रेलिया रहती है, मेरे से बड़ी उम्र की है जी। तो उनको मैंने, ये मेरी किताब है शायद यहीं जी, अकथ नाम से जी, तो वो उनको दी। और वो क्योंकि उसी शहर की थी, मेरी मिसेज भी बैठी हुई थी, वो पढ़ के आई बाद में। वो कहती है मेरी मिसेज से कि मैडम मुदगिल, मैं बता सकती हूँ कि ये कहानी फलां की है, ये फलां की है, ये फलां। अच्छा, तो जो दूसरी मेरी किताब थी रस भरी, मैंने अपनी बीवी को कहा कि वो उसको मत दे देना क्योंकि इसकी कहानी भी है उसमें। अच्छा। मुसीबत हो जाएगी क्योंकि अच्छा। मैं कोई कहानी झूठी नहीं लिखता, सच्ची कहानी मैंने उसमें भी लिखा है। अच्छा, आपने नसीहत दे दी मैडम को कि ये कहानी ये ना पढ़ ले क्योंकि उसकी है, और फिर बुरा भी मानेगी, मान सकते हैं। तो बेसिकली मेरी कोई भी कहानी झूठी नहीं, जैसे मैंने उसकी गंध के बारे में बताया जी, कैसे है। और मैंने अपने प्राकथन में भी लिखा है जी, 5-6 लाइन का है कि भाई मैं कोई जादूगर नहीं कि जो भ्रम पैदा करूं, ना मैं भगवान हूं कि सृष्टि कर दूं। तो मैंने जो कुछ लिखा है, जो मेरे आसपास है, वही लिखा है। और मेरे ये जो करेक्टर्स हैं कहानियों में, वो जीते जाते लोग थे। और ज्यादातर मेरी कहानियां क्या है कि जो मेरे मरीज थे, जवान बूढ़े औरतें आदमी, वो मेरी झोली में अपने दुख सुख डाल के चले गए। मैंने उनमें से कुछ की कविता बना दी, कुछ की कहानी बना दी, कुछ मेरे पर्सनल जो मैसेजिंग हो, जो प्रेरणात्मक चीजें हो, आपने लगता है कि कलमबद्ध किया। क्योंकि देखिए, कोई भी सृजन जो है ना, वो पीड़ा से उत्पन्न होता है। सही बात है, जैसे बच्चा भी पैदा होता है तो लेबर पेन होती है। हाँ, तो सृजन भी पीड़ा से ही होता जो है, है। और यहाँ तक सांख्य दर्शन जो हमारा है जी, उसमें भी कहा कि प्रकृति और पुरुष, पुरुष का मतलब डिवाइन फोर्स, उसका मेल तब होता है जब तीनों गुणों सत्व रजस और तमस में जी,
गड़बड़ होती है, यानी उसमें कोई असंतुलन होता है जी, जी, और उसके बाद जैसे बिग बैंग की थ्योरी हाँ, नहीं वैसे आपने आपने बहुत सही बात बताई कि सृजन जो है और लेखन मतलब सृजन और जो जीवन है पीड़ा के बाद ही होता है। सखा जी ये बताइए कि आपने जैसे बताया कि सृजन और जीवन पर कष्ट के बाद ही ज़्यादा सुखदायी होता है, तो आप उस पर अपनी बात रख रहे थे तो बताइए। मैंने यही कहा कि भी सृजन जो है ना कोई भी कलाकृति जो है जी, क्योंकि मनुष्य भी एक कलाकृति है जी, प्रकृति की, वो हमेशा एक पीड़ा से आरंभ होता है। और महादेवी ने तो इसके बारे में बड़ा सुंदर लिखा है कि तुमको ढूंढा है पीड़ा में, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। पीड़ा इतनी आत्मसात हो जाती है लेखक या किसी भी आर्टिस्ट के साथ कि ना वो उसका पीड़ा पीछा छोड़ती है ना वो उसका छोड़ता है। चोली दामन तो हर जो चीज होती है वो उसकी वजह से होती है, वो यानी अपनी पीड़ा की अभिव्यक्ति कई दफा वो व्यंग में करता है, कई दफा कोई चित्र बना के करता है, कोई किसी चीज की करता है। और ये आपके साथ बहुत ही खूबसूरत बात हुई है कि आपके जो प्रोफेशन था, आपके पेशे में जब हाँ, डॉक्टर थे तो जो मरीज होते थे उनकी जो दर्द वाली कहानियां होती थी बहुत सारे ऐसे वो आपकी कहानियों के केंद्र बिंदु होते थे। और ये तो खास बात ये है कि आजू बाजू बहुत कहानियां होती हैं लेकिन किसको उसके तारतम्य का उसके मर्म को कौन छू पाता है। और बातों का सिलसिला भी आगे बढ़ाएंगे, दिल चाहता है कि और कविताएं आपकी गजलें सुने, कविताएं सुने, कुछ एक छंदमुक्त कविता। हाँ स्वागत है। और ये लिखी गई जिस दिन मेरे यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा था। अच्छा अच्छा वो कैलकुलेट कर रहे हैं, हालांकि मिला कुछ नहीं क्योंकि मैं तो 2 रुपए का टीका लगाता था वो भी एंटर करता। अच्छा कब की बात है ये? 1984 84 में कविता आपने लिखी थी। हाँ, जब छापा पड़ा। हाँ, उसी वक्त भाई उसी वक्त वो कर रहे थे मैं कविता, वो कहते क्या कर रहे हो मैं कविता लिख रहा हूँ। अच्छा वो छापा पड़ा हुआ है इधर कविता चल रही है क्या बात। तो वो बल्कि लेके गया लिख के खुद वो। अच्छा, जो उनका चीफ था। हाँ, कि भला लगता है आंगन में बैठना धूप सेकना। अच्छा भला लगता है आंगन में बैठना धूप सेकना, पर इसके लिए वक्त कहाँ। वक्त तो बिक गया सहूलियतों की तलाश में और अधिक और अधिक और अधिक संचय की आस में। हमने खरीदे जमीन के टुकड़े, इकट्ठा किया धन, देख सके न लपकते तड़ित घनघोर गरजते घन। क्या बात। पत्नी ने लगाए गमलों में कैक्टस। अच्छा उन पर भी डाली उचटती सी नजर, खा गया यारो हमें तो दावानल सा बढ़ता अपना नगर। पत्नी ने लगाए गमलों में कैक्टस, उन पर भी डाली उचटती सी नजर, खा गया यारो हमें तो दावा नल सा बढ़ता अपना नगर। और नगर का भी क्या दोष, उसे भी तो हमने गढ़ा। नगर का भी क्या दोष, उसे भी तो हमने गढ़ा। देखते रहे औरों के हाथ, बताते रहे भविष्य, अपनी हथेली को कभी नहीं पढ़ा। तो उस भाई को भी इतनी पसंद आई। हाँ। वो कहता सर मैं इसको लिख ले जाऊं। मैं लिख ले। हाँ, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि मेरी कविता ले जाओ, थोड़ा छापे में कुछ थोड़ा कम दिखा दो। नहीं मेरे पास था ही नहीं। अच्छा। मेरे पास बहुत आए। हाँ। वो खुद बाद में भी मेरे मित्र बन गए। हाँ। और उसके बाद जैसे मेरी कभी सर्वे शुरू हुआ तो कहते सर चाय पिला दो, क्योंकि एक्सरे फिल्म भी गिनी सब कुछ किया उन्होंने रात तक रहे, लेकिन कुछ था ही नहीं। कुछ नहीं, कुछ था तो हो तो गा। हाँ मेरे दिल में था। दिल में नहीं, जब छापा पड़ा है कुछ तो हवा उड़ी होगी। नहीं वो असल में एक मेरे मित्र थे। हाँ। और उनके यहाँ पड़ा, दो ही थे हम वहाँ डॉक्टर। हाँ, तो उनके यहाँ वो कुछ ले आए पैसे पूसे यानी निकलवा भी लाए कहीं और दवा। तो मैं सबसे बड़ा डॉक्टर माना जाता था जी बिल्कुल। तो इसमें नहीं कहीं नहीं, मैंने कहा भाई लॉकर लॉकर उन्होंने खोला ही नहीं जब वो सारा देख लिया ना। मैं भाई एक लॉकर है देख लो, वो 4 बार खुला है। मैंने कहा जब उसके भाइयों के ब्याह हुए हैं और वापस रखा है, ये 4 डेट हैं। तो कहते नहीं सर है। अभी वो तुम्हारी मर्जी। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। कुछ और, एक चांद के ऊपर आपकी गजल बहुत मुकम्मल है, एक घर चांद में टह घर में वो बहुत उस पर बहुत है मेरी। हाँ जी जरा उस पर हम सुनना चाहेंगे। कहता है जिंदगी में हर खुशी हो ये जरूरी तो नहीं, जिंदगी में हर खुशी हो ये जरूरी तो नहीं, गम जो कल था आज भी हो ये जरूरी तो नहीं। क्या बात है। जिंदगी में हर खुशी हो ये जरूरी तो नहीं, और गम जो कल था आज भी हो ये जरूरी तो नहीं, और प्यार होता है सभी को जिंदगी में एक बार। अच्छा
सही बात। प्यार होता है सभी को जिंदगी में एक बार, प्यार का इजहार भी हो ये जरूरी तो नहीं। क्या बात है, सही बात है, क्योंकि रह जाते हैं हम चुपचाप। प्यार होता है सभी को जिंदगी में एक बार, प्यार का इजहार भी हो ये जरूरी तो नहीं, और घर जलाने पर तुले हो दोस्तों पर सोच लो। घर जलाने पर तुले हो दोस्तों पर सोच लो, बाद इसके रोशनी हो ये जरूरी तो नहीं। क्या बात है। और जो आपको पसंद है वो शेर है कि मेरे घर में घूमता रहता है दिन भर एक चांद। दिन की बात है यहाँ। मेरे घर में घूमता रहता है दिन भर एक चांद को, उसको चांद को हम समझ रहे हैं। अच्छा जी, बहुत बुरी बात अच्छी बात जी। मेरे घर में घूमता रहता है दिन भर एक चांद, दिन भर चांद भी हो रात भी हो ये जरूरी तो नहीं। क्या बात है, क्या बात, बहुत मेरे घर में घूमता रहता है दिन भर एक चांद, चांद भी हो रात भी हो ये जरूरी तो नहीं, और आंखों आंखों में भी तो देखी सुनी है गुफ्तगू। आंखों आंखों में भी तो देखी सुनी है गुफ्तगू, हम मिले और बात भी हो ये जरूरी क्या तो बात नहीं। है सर, बहुत खूब बहुत खूब। और एक और है, शेर बिल्ली सांप गिरगिट। शेर बिल्ली सांप गिरगिट है नहीं क्या क्या भला, आदमी बस आदमी हो क्या ये जरूरी तो नहीं, और यार जिंदा है सखा गजलों में अपनी आज भी जी। यार जिंदा है सखा गजलों में अपनी आज भी, और नब्ज उसकी चल रही हो ये जरूरी। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही इसमें आपने अपना परिचय बहुत अच्छे से दिया, और व्यंग भी था वो सांप गिरगिट वाले में, तो ये गजल में मोहब्बत भी है, व्यंग भी है, मैसेज भी है। जो आपने चांद की बात की ना, इस पर मेरे बहुत शेर हैं, एक दो शेर और सुनाता हूं। कि चांद सितारे एक तरफ, आप हमारे एक तरफ, आप हमारे एक तरफ, एक तरफ, और तू बस मेरा हो जा बाकी सारे एक तरफ। क्या बात है जी। और एक और है कि गुफ्तगू का तकाजा भी है और चुप रहने का वादा भी है। गुफ्तगू का यूं तकाजा भी है और चुप रहने का वादा भी है, एक पूरा चांद है आंगन में, पूरा चांद है आंगन में, आसमां पे चांद आधा भी है। क्या बात है, बहुत खूब। चांद पे मेरे बहुत से नहीं, और हर उसमें एक मैसेज है कि हाँ चांद सिर्फ आसमान में ही नहीं, आपके घर में भी है। बहुत खूबसूरत। आप मुझे ये बताइए कि ये तो एक जानना चाहते हैं कि आप जैसे कहानी भी लिखते हैं, आपने बाल साहित्य भी लिखा, तो ये जो किताब है इसकी किताब के बारे में आपने कब सोचा कि ये लिखूं मैं? ये भी एक एक्सीडेंटल वो थी। अच्छा, हुआ क्या कि एक दफा बारिश हो रही थी तो बेटा उसमें जाता था रिक्शा में जी, तो कहता मैं नहीं जाऊंगा जी, तो मैं उसको गाड़ी में छोड़ने चला गया, तो मैंने वहां देखा तो बच्चे लदे हुए आ रहे थे, तो मैंने उस दिन ये सारी एक ही दिन की लिखी हुई है, मेरी एक और किताब है यहाँ औरत को समझने के लिए, वो कविताएं भी एक रात की लिखी हुई है। उस दिन मेरी बीवी का और मेरा झगड़ा हो गया, वो सो गई। अच्छा, और मैं बैठा रहा। मैं आपने तो फायदा है? आपने झगड़े का फायदा उठाया, हाँ, आपसे किताब हो गई। हाँ, तो मैं फिर स्त्री की कुर्सी में बैठ गया कि वो कैसा सोचती होगी। अच्छा, उसमें से सुनाऊंगा मैं थोड़ी हाँ, सी हाँ, जी। तो ये जो था ये ना एक दिन बनाम एक रात की कविता जी, जी पूरी एक ही रात में एक ही सेटिंग में इसमें सारी की सारी। तो इसमें जो पहली कविता मैंने लिखी कि रिक्शा छोटी बच्चे ज्यादा जी लाते, रिक्शा छोटी बच्चे ज्यादा कहाँ कहाँ हमको है लादा, रिक्शा छोटी बच्चे ज्यादा कहाँ कहाँ हमको है लादा, मेरा मुंह और उसकी लात सफर में रहे हमेशा साथ। वो लटका देते थे बच्चों को। हाँ, मेरा मुंह और उसकी लात सफर में रहे हमेशा साथ, पानी बोतल टिफिन और बस्ता सूझे नहीं किसी को रास्ता, कैसी बंसी कैसी राधा, रिक्शा छोटी बच्चे ज्यादा बच्चे ज्यादा। डॉक्टर जी, डॉक्टर साहब, सखा जी, श्याम जी, किस नाम से पुकारे आपको? इतने सारे नाम है और
तो सखा जी मुझे ये बताइए कि आपने सभी विधाओं पे किताबें लिखी हैं, बाल साहित्य है और गजलें हैं, कहानी है, उपन्यास है, आप डॉक्टर भी हैं, तो आपने जो है डॉक्टरी के ऊपर भी किताबें लिखी हाँ, होंगी, मेडिकल के ऊपर भी, तो उनके बारे में, उन किताबों के बारे में मैं चाहती हूँ आपके पास दो किताबें, इन पर बात थोड़ा बताएं। पहले मैं कॉलम लिखता था अखबारों में जी, तो कोरोना के दिनों में मैं अमेरिका में था बच्चों के पास, तो मेरे पास दो एडिटर्स का फोन गया कि आप कोरोना पर लेख लिखें। अब कोरोना नई बीमारी थी जी, तो फिर मैंने जो हमारी रिसर्च मैगजीन्स हैं उनकी सदस्यता ली और मेरे लगभग 60 लेख छपे। उसके बाद एक पब्लिशर ने कहा कि सर मैं जो है इसके ऊपर किताब छाप दूं, तो कोरोना A to Z नाम से किताब छपी। और उन दिनों की एक और बात हुई कि मेरे एक पब्लिशर को, मैं मिला नहीं था उनसे तब तक, कोरोना हो गया और वो डायबिटीज, हाइपरटेंशन और पार्किंसोनिज्म के बीमार थे और 70 साल के थे। उन्होंने मेरे से राय मांगी, मैंने उनको कहा भी एडमिट हो जाओ, नहीं हुए लेकिन वो ठीक हो गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं आपका फ़ोन नंबर एक दोस्त को दे दूँ, मैं दे दूँ, तो मुझे लगा कि ऐसे वो सेकंड वेव थी कि बहुत ज़्यादा है, तो मैंने फेसबुक, ट्विटर और सब पर अपना नंबर शेयर कर दिया। तो ईश्वर की कृपा है कि जम्मू से आसाम और यानी गुजरात और उड़ीसा तक से 800 मरीजों को मैंने अपनी जो कंसल्टेशन दी और एक भी व्यक्ति की डेथ नहीं। क्या बात है। तो ये मेरी, फिर उसी प्रकाशक ने कहा सर एक एक सब्जेक्ट पर हम आपकी छाप दें, तो मेरे लेख तो थे जैसे ये है हृदय संबंधी जी, उसके बाद ये क्या, क्या हृदय संबंधी बीमारियां समस्याएं, अच्छा हृदय संबंधी जो समस्याएं हैं उन पे किताब। इसी तरह ये है पुरुष और स्त्रियों की अलग अलग यौन संबंधी, यानी यौन का मतलब सेक्स नहीं, पूरी यौवन जो युवक रहता है आदमी जब तक, तो उसकी क्या क्या समस्याएं हो जाती, जैसे ब्रेकअप की समस्या है उस पर भी लिखा, तलाक की समस्या भी है उसमें, यानी जो आती हैं स्त्री युवावस्था में जितनी होती है उनके समाधान, इस तरीके की लगभग मेरी अभी 20 किताबें आ चुकी हैं। क्या बात, तो वो लिखी। और आपने और आपने गीता भी लिखी है। गीता भी, मैं तो ये समझ ही नहीं पा रही हूँ कि 40 किताबें हैं, मैं किस किस पे बात करूँ, क्योंकि सभी जो किताबें विषय है बात करने का। शुरुआत कैसे हुई ये लिखने की, शायद ना लिखता, मैं पढ़ता तो रहता हूँ बहुत कुछ, यानी उपनिषद भी पढ़े हैं, गीता भी, रामचरितमानस मैं 40 साल से रोज पढ़ता हूँ। अच्छा, प्रतिदिन रोज। और मैं ये मानता हूँ कि मुझे जो थोड़ा बहुत ज्ञान है, चाहे साहित्य का है चाहे जिंदगी का है, वो उससे मिला है बाबा तुलसी से जी। क्योंकि रामचरितमानस को अगर हम एक धार्मिक या कथा साहित्य को छोड़ दें तो उसमें इतना कुछ है। उस पर भी मेरी किताब आ रही है जी, रामचरितमानस गृहस्थ गीता या लाइफ बाइबल के नाम से जी, गृहस्थ गीता, गृहस्थ गीता, भाई गृहस्थ के लिए वो गीता है। क्या बात, क्योंकि गीता का ज्ञान है। फिर क्या हुआ कि मेरे एक मित्र थे डॉक्टर धवन, वो बीमार थे बहुत ज्यादा, उनके घर वालों को लगा अब ये जाने वाला है, मेरे सीनियर थे, तो उनको गीता सुनाने लगे वो। अच्छा। जैसा होता हम, तो मेरी उनकी रोज बात होती थी, उसने कहा यार मुदगिल तू ब्राह्मण भी है और मेरे को पता है तू पढ़ता है, तू मेरे को पढ़ा, मैं बोर हो जाता हूँ। तो मैंने उनको कहा सर आप 10 श्लोक पढ़े और फिर मैं अगले दिन बात करता हूँ। तो 10 एक दिन बात हुई, वो कहता यार तू लिखता क्यों नहीं, तू इतने रोचक ढंग से बताता है कि समझ में आती है बात। तो मैंने वो लिखी। फिर मैं एक, मैं आप जानते हैं मैं डिबेट्स में जाता रहा हूँ टीवी पे, हर उसमें, चाहे वो मेडिकल का हो, करंट हो, पॉलिटिकल अफेयर हो, जब आमतौर पे टीवी चैनल वालों को जब किसी चीज का एक्सपर्ट नहीं मिलता तो मुझे बुलाना जी, बिल्कुल एक्टिव हैं आप इस फील्ड में। तो वहाँ मनुस्मृति पर एक तरह बात चल गई, तो एक वकील साहब थे हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा वो मनु ब्राह्मण था और उसने ये 4 वर्ण बना दिए। तो मैंने उसको कहा, वो यंग था, मैंने कहा बेटा गलत, पहले तो मनु ब्राह्मण नहीं था, वह क्षत्रिय था। अगर पहले भी 10 श्लोक, मैंने उससे पूछा पढ़े हैं क्या, पढ़ी, मैंने कहा गलत कह रहे हैं, अगर उसके पहले 10 श्लोक पढ़ लेते ये किताब आई तो आपको पता लग जाता कि मनु ब्राह्मण नहीं था और मनु ने लिखी भी नहीं, इसका नाम बेशक मनुस्मृति है लेकिन मनु ने नहीं लिखी। हुआ क्या कि समाज के बड़े बूढ़े आए, मनु राजा था, उन्होंने कहा 4 वर्णों में भ्रम फैला हुआ कि कर्तव्य क्या है, उनके और उनके अधिकार क्या है, तो आप उसको टेबुलेट कर दें जो सबको मान्य हो। तो उसने की है,
उसका काम कम्प्लीट उससे पहले था, जैसे ऋग्वेद में भी चार वर्ण, और चार वर्ण के बारे में लोगों को बड़ा भ्रम है। चार वर्ण सृष्टि के आरंभ से जब एग्रीकल्चर इरा शुरू हुआ और आज तक है। अब आज के चार वर्ण क्या है, मैं कहता हूँ वेस्ट में क्या है, ब्राह्मण कौन है। पहले तो ब्राह्मण शब्द और ब्रह्मांड और ब्रह्म शब्द की परिभाषा बड़ी गलत है जी। ये ब्री धातु से है, जैसे बृहद होता है जिसका मतलब होता है फैलाव। फैलाव फैलाव किसका होता है, कॉस्मोस का होता है, गैलेक्सी का होता है। तो ब्रह्मांड है गैलेक्सी, और ब्रह्म क्या है वो भी गैलेक्सी से निर्मित है। और ब्राह्मण कौन है कि जो उस ज्ञान के फैलाव करता है। ये नहीं है कि ब्राह्मण कोई जाति है, पहले जाति से नहीं होता था, जन्म से। तो आज के दिन ब्राह्मण कौन है, जो साइंटिस्ट है वो आज के ब्राह्मण, आज के जो ब्राह्मण है साइंटिस्ट, साइंटिस्ट है। सही बात है, वही। और आज के क्षत्रिय कौन है, पॉलिटिशियन और कॉर्पोरेट क्षत्रिय है जो सारी दुनिया पर राज कर रहे हैं। सही बात है। और आज के वैश्य कौन है, क्योंकि उस वक्त सिर्फ खेती होती थी, जो खेती को मैनेज करता था उसको वैश्य कहते थे, यानी मैनेजर, मैनेजर। अब मैं हेल्थ में मैनेजर हूँ, आप किसी और चीज में मैनेजर हैं, कोई बैंक में मैनेजर है, कोई शिक्षा में मैनेजर है, शिक्षक है, तो वो है, यानी जो जिनके पास कुशलता है जी, बिल्कुल। और जो अकुशल हैं उनको उन्होंने शूद्र कहा या वर्कर। आज के जो अकुशल जो है मजदूरी कर रहे हैं तो वो है। वैसे भी वहां कहा है कि जन्म से सभी शूद्र हैं, लेकिन फिर द्विज कैसे बनते हैं, जब कुशलता प्राप्त कर लेते हैं किसी भी क्षेत्र में। द्विज का मतलब ट्वाइस बॉर्न। तो जब भी हम शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वाकई हमारा जन्म दूसरा होता है। सही बात है। हम अविद्या से विद्या की तरफ आ जाते हैं, अज्ञान से ज्ञान की तरफ आ जाते हैं। तो चार वर्ण ना तो कभी खत्म हुए ना खत्म होंगे। जो गलत चीज हुई बाद में, जो जन्म से जाति होने लगी, और अंबेडकर जी ने भी लिखा है कि 1910-12 तक राज्यों में क्या होता था कि एक आदमी कोई काम कर रहा है, मान लिया चर्मकार है, और वो दूसरी जगह जाके काठ का काम करने लगा तो वो खाती या काष्ठकार हो जाता था। यानी ये बहाव था जी। ये अंबेडकर की किताब में उसके मैंने इसमें दिए हैं रेफरेंसेस जी, जी। हम इसमें अंबेडकर की 28 पेज है जी, जी। इस लगभग 150 पेज की किताब में अंबेडकर ने, किताब का क्या नाम है, मनुस्मृति पुनर्मूल्यांकन और मुफ्त हुए बदनाम, कि उसको खाम खाम में बदनाम किया जा रहा है। क्या बात है। तो इस तरीके से फिर गीता पर भी लिखा मनुस्मृति मुफ्त हुए बदनाम जी। कई बार क्या होता है, अच्छा इसमें स्त्रियों के बारे में लिखा है जी, जी। जो यानी एकाद श्लोक जो पहले तो क्या है कि ये जो अशोक का ग्रैंडसन था उसको पुष्यमित्र ने मारा, क्योंकि वो लड़ना नहीं चाहता था, बौद्ध हो गया था और यवन आक्रमण कर रहे थे। तो पुष्यमित्र ने एक सुमिति भार्गव नाम से फिर दोबारा कंपाइल कराई और उसको अंग्रेजों ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया, और उन्होंने जी किया उससे पहले इसको, ये एक निर्देशिका है जी, जी, किताब नहीं है कानून की जी, ये बहुत ही अच्छी किताब है। लेकिन और उन्होंने क्या किया कि जो मुसलमानों की वो थी जी, जिसको कहते हैं मैं भूल गया उसको, हाँ। जिसके थ्रू उनका चलता है जी, जी। उसके समकक्ष बना दिया जी। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि ये किताब सबके नहीं, इसमें एक और बात बताऊं, हाँ, हाँ। इसमें लिखा है कि भाई अगर स्त्री का किसी अन्य पुरुष से, मैरिड स्त्री का संबंध हो जाता है और उससे संतान उत्पन्न हो जाती है तो उसके भरण पोषण का जो कर्तव्य है उसके पति का है, क्योंकि वो उस को वो चीज नहीं दे सका जो उसको मिलनी चाहिए थी, उसने स्त्री का कसूर नहीं माना। अब आप ये देखिए कितनी फॉरवर्ड इसकी सोच थी। तो इसके कुछ तो जो बाद में जोड़े गए इसमें और कुछ वो जो चीन में की दीवार में वर्ल्ड वॉर टू में एक बम से टूटी दीवार और वहां एक संदूक मिला, उसमें एक प्रति मिली जिसमें सिर्फ 625 श्लोक और विद्वान ये मानते हैं कि सिर्फ 1100 श्लोक हैं, कुछ और 50 प्रतियां हैं इस वक्त दुनिया में पांडुलिपि। और जो अंग्रेजों ने करवाई जो शरीयत के बराबर माना उसमें 2400 श्लोक हैं, उसमें रिपीटेड भी हैं बहुत सारे, तो मैंने सारे दिए हैं, उन विद्वानों के नाम भी दिए। उसके बाद मैंने लिखी सनातन धर्म की जीवन शैली जी, जी। और अब जो लास्ट किताब मेरी आ रही है जी। दो किताबें हैं, योगा ए साइंटिफिक एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जी,
बहुत सुंदर किताब है पतंजलि की, सिर्फ 196 पंक्तियां हैं उसमें जी। और हमें दो दो शब्द के वो हैं। और हमें उस किताब का दिल से इंतजार है। हाँ, एक किताब के बारे में और बताऊंगा मैं आपको अगर समय है तो। ये है secondheaven.com जी। ये किताब कैसे हुई कि मैं एम्स्टर्डम के हवाई अड्डे पर इंतजार कर रहा था आगे जाने के लिए, और मेरे पीछे जो थे एक यंग कपल बैठा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि मैरिड है वो पहने हुई थी। तो लड़के ने कहा कि मैं गिल्टी कॉन्शियस फील कर रहा हूँ, गिल्टी फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं माँ को अकेली छोड़ के जा रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता वो डिवोर्सी थी या विडो थी, लेकिन आप हैरान होंगे सुन के कि 15 मिनट में उसकी बीवी ने अपने हस्बैंड को राजी कर लिया कि माँ के लिए एक पति ढूंढते हैं। अच्छा, ओके, लेट अस फाइंड ए पार्टनर फॉर हर। एंड दे स्टार्टेड डिस्कसिंग कि भाई हम किस मैरिज पोर्टल पर वो करेंगे। मैं अपने बेटे के पास गया था अमेरिका, और वो कीड़ा मेरे भीतर घुस गया जी। आके मैंने 2.5 साल तक इस पर रिसर्च की जी जी, और यहाँ नहीं बता सकता, बाहर बता दूंगा क्या क्या किया। नहीं, मैं तो ये सोच रही हूँ सखा जी के हमारे पास इन किताबों पर बात करने के लिए, आपके जीवन दर्शन को समझने के लिए बहुत सारा वक्त चाहिए, और मुझे लगता है कि कई दिन इंटरव्यू तब जाके मुकम्मल इंटरव्यू होगा। और अपने सभी दर्शकों से मैं उम्मीद करती हूँ और विश्वास भी है कि आप सभी को दस्तक बहुत दिल से पसंद आ रहा है, और आप अपने सुझाव अपने प्रतिक्रिया कुछ देना चाहते हैं तो आप info@justbroadcasting.com पर आप जो हैं अपने सुझाव अपने विचार हमें भेज सकते हैं। और सखा जी आप स्टूडियो में आए, दस्तक में दस्तक दी, जस टीवी की ओर से आपका भी, जस टीवी का भी और दर्शकों का भी, सबको नमस्कार, धन्यवाद, दिल से आपका भी धन्यवाद करते हैं। और सखी को दीजिए अनुमति, प्रणाम, सखा को भी अनुमति जी।